नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। मैं हूं आपका ऑस्टर फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों यदि आपके घर में बिना वजह ही परेशानियां आ रही हैं, परेशानियां मतलब कि अनएक्सपेक्टेड आपके घर में सामान खराब हो रहे हैं, जैसे कि आज टीवी बिगड़ गई, कल फ्रिज बिगड़ गया, फिर बाद में एसी बिगड़ गया, या फिर घर में बार बार लड़ाइयां हो रही हैं, बिना वजह आपकी परेशानी आ रही है, बिना वजह यहां वहां धन पैसा खर्च हो रहा है और परिस्थिति सुधारने का नाम ही नहीं ले रही है, तो दोस्तों इस सब के पीछे रीजन होता है कि कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ नेगेटिव एनर्जियां जो घर में अटैक कर देती हैं। अब दोस्तों ये परेशानी उनके लिए भी हो सकता है जिनके साथ में अचानक से ये स्टार्ट हो गया, कि अभी 3-4 दिन तक तो सब सही था लेकिन अचानक से सब स्टार्ट हो गया, उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है और जिनके साथ में काफी टाइम से चली आ रही है, कि मतलब ऐसी परेशानी लगी हुई है, सॉल्व ही नहीं हो रही है, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। तो उसके लिए दोस्तों कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स हैं और कुछ ऐसे एंजल नंबर हैं जिनका यदि हम यूज करते हैं तो जितनी भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, उनको ये कंट्रोल कर देती है, मतलब कि उनको बिल्कुल डाउन करके और हमारे घर में फिर से पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर देती है, जिससे हमारे घर में शांति आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आपको इन नंबर्स को बस कुछ नहीं करना है, चैंट करना है, स्विच वर्ड को चैंट करना है, और जो मैं एंजल नंबर आपको दूंगा तो आपको इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये कोई सामान है, जैसे घर में फ्रिज खराब हो गया है, ये टीवी खराब हो गई है, आज सुधरवाया 2-4 दिन बाद फिर खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को लिख करके और उसी सामान में आपको चिपका देना है जो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है या जिससे बहुत ज्यादा परेशानी है, या फिर इसको आप अपने घर के उत्तर दिशा में आप इस नंबर को लिख के चिपका देंगे, तो इससे हमेशा पॉजिटिव जो एनर्जी होगी उसका संचार घर में होता रहेगा। और जो स्विच वर्ड मैं आपको दूंगा तो इसको आपको सिर्फ चैंट करना है, जब भी आपको याद आता है तो आप इसको मन ही मन चैंट कर लीजिए और मन में इंटेंशन लेते हुए कि मेरे घर में ये परेशानी चल रही है, ये सॉल्व हो जाए। दोस्तों 2-3 दिन में या 3-4 दिन में आप देखेंगे कि आपके घर में बिल्कुल शांति का वातावरण छा गया है, जैसे कि परेशानियां लगी हुई थी, बिना वजह ही पैसा खर्च हो रहा है, बिना वजह सामान बिगड़ रहा है, बिना वजह घर में लड़ाइयां हो रही हैं, या A to Z कोई भी परेशानी है, या आपकी जॉब में कोई परेशानियां आ रही हैं, या व्यापार में कोई परेशानी आ रही है, आपकी जिंदगी में A to Z जो भी परेशानी है, उन परेशानियों का सॉल्यूशन पाने के लिए आप इन स्विच वर्ड्स का और अपने इस एंजल नंबर का आपको यूज करना है। तो दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, आपको स्विच वर्ड मिल जाएगा, स्क्रीन में भी दिख जाएगा, स्विच वर्ड है कंसीडर चेंज डिवाइन ऑर्डर नाउ, कंसीडर चेंज डिवाइन ऑर्डर नाउ। आपको इस स्विच वर्ड का यूज करना है। आपको कैसे करना है, आप चाहे तो इसको 21 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं, या अगर आप कर रहे हैं जब भी करेंगे आप तो 28 टाइम से ज्यादा ही करेंगे, 28 टाइम से कम ना करें, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आप 48 टाइम भी कर सकते हैं, 51 टाइम भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। दिन भर आप 3-4 दिन इसको मनी मन चैंट करिए, इसका जाप करिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपका सामान घर का बार बार खराब हो रहा है, या कोई सामान बहुत दिन से खराब है, आप उसको सुधरवा रहे हैं लेकिन वो नहीं सुधर रहा है, तो उस पर आप इस नंबर को लिख करके चिपका सकते हैं। नंबर दोस्तों आप नोट कर लेंगे 187-142-133-914। इस नंबर को आप लिख लेंगे या तो घर की किसी दीवार में लिख दीजिए, या कोई सामान ऐसा आपके घर में ऐसा है जो आपको बिगड़ जाता है और आप उसको सुधरवा रहे हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर बिगड़ जाता है, जैसे कि आज आपने फ्रिज को सुधरवाया या टीवी को सुधरवाया और 2-4 दिन बाद फिर से वो खराब हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप इस नंबर को जो मैंने आपको बताया है, स्क्रीन में दिया हुआ है, आप इसको एक कागज में लिख करके और उस चीज में आप चिपका देंगे और इसको घर की किसी दीवार में लिख दें, तो इससे जो पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी तो उससे नेगेटिविटी दूर जाएगी और घर में हमेशा शांति का वातावरण बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।